खामोश हो जाओ भाई। या खुद पूरा एक्शन लिए थे कि बद्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज जनाब वसीम साहब के परिजन कारपोरेटर वासे साहब की तरफ से गरीबों में अनाज तकसीम करने का फैसला किया और सबके घरों पर जाकर टोकना तकसीम किए और यहाँ अपने घर पे बुला के हर एक को अनाज का पैकेट कम से कम एक महीने का अनाज है उस घर का सबको देने के लिए। तो ये काउंसलर साहब की तरफ से इंतजाम किया गया है। इनको मल्ली सत्यातुल मुस्लिमीन के नाम पर आप लोग वोट देने की मसरत में गरीब लोगों में ये इमदादी काम का सिलसिले का आगाज किए हैं जो दो दिन तक जारी रहेगा। चंद गरीब सलम बस्तियों में गरीबों के लिए पूरे हल्के में तो नहीं दे सकते, जितनी इनकी सकत है जितनी इनकी इस्तेतात है उतना इंतजाम करे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि 800-900 लोगों का यह इंतजाम हुआ है, लोगों की इमदाद पहुंच रही है। फिर अल्लाह जजाय खैर दे इनको और ऐसे काम करने के अल्लाह अजबाब मुहैया करे इनके लिए। तब तमाम हासिल करने वाले गरीब लोगों से मैं दरख्वास्त है कि मजलिस की कामयाबी के लिए नकीब मिलत हबीब मिलत और तमाम मजलिस लोगों की हिफाजत उम्र दराज के लिए दुआ करिए। ये जो भी दिया जा रहा है ये हदिया है, इसको कबूल कीजिए। इसके एवज में हमको कुछ नहीं चाहिए, मजलिस के लिए दुआ कीजिए, तमाम मजलिस के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सबको खुशहाली करे। सेहत तो आपके साथ रखिए। शुक्रिया। विन सिटी का अज्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना, इसी इरादे से विन सिटी डेवलपर्स बार बार लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विन सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में, नकदी आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विन सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंद्रा इन गुट्टा, हैदराबाद।